ऑल राइट फ्रेंड्स, के आप लोग भी एक अंडर बजट स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं जो नियर अबाउट 8-9,000 के अप्रॉक्स आए और आप लोगों को वहाँ पर अच्छी फोटोग्राफी भी देखने को मिल जाए और एक ठीक ठाक प्रोसेसर भी मिल जाए, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एक ऐसा कौन सा स्मार्टफोन है जो अंडर बजट आता है और वहाँ पर अच्छी खासी फोटोग्राफी भी देखने को मिल जाती है। तो हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ टेक्नो स्पार्क 70 स्मार्टफोन के बारे में। तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे इस फोन की डिस्प्ले की तरफ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है 6.52 इंच की HD प्लस डिस्प्ले और इस फोन में आपको देखने को मिलता है MediaTek Helio G35 प्रोसेसर। ठीक ठाक प्रोसेसर है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ, नॉर्मल गेमिंग करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर थोड़ी सी भी हाई गेमिंग करते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब नॉट होगी बट हाँ हो सकती है, नॉर्मल गेमिंग में बिल्कुल नहीं होने वाली है। आप देख लेते हैं इस फोन के कैमरा की तरफ। जी हाँ, इस फोन में आपको देखने को मिलता है 48 मेगापिक्सल का रियर साइड में मेन कैमरा, मतलब ठीक ठाक फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब ठीक ठाक फोटोग्राफी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं, लेकिन हाँ 48 मेगापिक्सल डिसेंट फोटोग्राफी हो सकती है। अगर आप देखेंगे इस फोन के फ्रंट कैमरा की तरफ तो यहाँ पर आपको देखने मिलने वाला है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर विद वाटर ड्रॉप नॉच। जी हाँ, मतलब सेल्फी भी ठीक ठाक आएगी, बहुत अच्छी नहीं बोल सकते हैं, एटलीस्ट 16 मेगापिक्सल देना चाहिए था, बट ठीक है, 8 मेगापिक्सल इज क्वाइट गुड। अब देखेंगे इस फोन के बैटरी कैपेसिटी तरफ तो यहाँ पर आपको देखने मिलने वाली है 6000 mAh की बैटरी, नॉट मतलब बैड, मतलब 6000 mAh की बैटरी नहीं, बैटरा ही होता है पूरा, मतलब एक दिन आप आराम से पूरे दिन फोन को इस्तेमाल कर पाएंगे। और यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं वेरिएंट की, मतलब रैम एंड रोम की, तो यहाँ पर आपको 4GB रैम एंड 64GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलने वाला है और प्राइस काफ़ी मतलब एग्रेसिव रखा है, बिल्कुल ओवर प्राइस नहीं बोल सकता हूं मैं, काफ़ी अच्छा प्राइस रखा है, वो भी आपको इस वीडियो में आगे पता चलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से बने रहिए और वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, अगर आप देखते हैं OS एंड्रॉइड 11 आप लोगों को इस फोन में सपोर्ट देखने को मिल जाता है और यहाँ पर डिज़ाइन की बात करेंगे तो मैं बोलूँगा कि डिसेंट, मतलब क्वाइट गुड है, नो एनी इशू विद दिस टाइप डिज़ाइन। एंड इन लास्ट एक ही बात बोलना चाहूँगा कि 9000 के रेंज में इतना मतलब अच्छे स्पेक्स आप लोगों को शायद ही और किसी स्मार्टफोन में देखने को मिलेंगे। हाँ, प्रोसेसर थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है, 6000 mAh की बैटरी दी है, मतलब नॉर्मल यूज़र के लिए जो चाहिए वो सभी कुछ इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है और जितने भी आप लोगों के नॉर्मल सेंसर होते हैं वो भी आप लोगों को इस फोन में देखने को मिल जाते हैं। मतलब ओवरऑल काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है अंडर 9000 rupees। इसमें और भी कुछ हो सकता है, जी हाँ, मतलब यहाँ पर 1000 rupees का और ऑफ मिल सकता है आप लोगों को अगर कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह आप लोगों के पास है, वो तो ऑफ़र पे ही मतलब डिपेंड करता है कि उस टाइम पे जब आपको फ़ोन लेना होगा तो उस टाइम पे कौन सा एक्सिस बैंक का होगा, HDFC का होगा, कितना मतलब रहता है छूट पर, नियर अबाउट 1000 rupees आप और ऑफ मान सकते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को ये फ़ोन देखने को मिलेगा ओनली 8000 rupees। तो 8000 rupees मतलब आई डोंट थिंक सो कि इससे अच्छा फ़ोन हो सकता है, काफ़ी अच्छा फ़ोन है, अच्छे स्पेक्स दिए हैं, प्रोसेसर भी ठीक है, बैटरी भी अच्छी है, तो मतलब ओवरऑल सारी ही चीज़ें हैं। और हाँ, बैक साइड में आपको देखने मिलता है इस फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर जो ठीक ठाक वर्क करता है, नॉट वेरी फास्ट बट ठीक ठाक वर्क करता है।